नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सबसे आप लोग के साथ आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में बसंती देवी मेमोरियल संस्था के द्वारा ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बसंती देवी मेमोरियल संस्था द्वारा ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन 24 मई को किया गया, जहां एक ओर कोरोना वायरस के कारण शतरंजी सभी प्रतियोगिताएं बंद हैं, वहीं दूसरी ओर संस्था द्वारा 24 मई को ऑनलाइन प्रतियोगिता 10,000 के पुरस्कार बांटे गए। संपूर्ण भारतवर्ष के 2,256 खिलाड़ियों ने भाग लेकर राष्ट्रीय स्तर का नया रिकॉर्ड भी कायम किया। संस्था के अध्यक्ष नितिन ने बताया कि सभी प्रतियोगिताओं को आसानी से किया गया। जहाँ एक और कोरोना महामारी के कारण हम सब लोग घरों में रहने के लिए बाध्य है, वहीं बसंती देवी मेमोरियल संस्था द्वारा एक 10,000 रुपये पुरस्कार वाली ऑनलाइन शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 2,256 खिलाड़ियों ने भाग लेकर एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस प्रतियोगिता में बहुत सारे IM, GM, FM, CM और अन्य रेटेड खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का फॉर्मेट 3+2 का था, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी को 3 मिनट का टाइम दिया गया और हर चाल के बाद 2 सेकंड का इंक्रीमेंट था। प्रतियोगिता के अंदर कुल 13,621 गेम खेले गए और बसंती देवी संस्था द्वारा इस प्रतियोगिता की समाप्ति के पश्चात 10,000 रुपये की राशि प्रधानमंत्री केयर फंड में COVID-19 से लड़ने के लिए डोनेशन दिया गया। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।